वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बीजेपी के दो पूर्व सांसद मधुबन यादव और अभिषेक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल 5 वर्षों तक प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की घोर उपेक्षा की है। भूपेश बघेल ने राजनांदगांव के लिए 5 काम भी किए गए हो तो बताएं। उल्टे डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में विकास के लिए राजनांदगांव में जो फंड आया था, उन्हें मुख्यमंत्री बनते ही बघेल ने वापस बुला लिया था और 5 वर्षों तक राजनांदगांव का विकास भगवान भरोसे छोड़ रखा था। पूर्व सांसदों ने कहा कि राहुल गांधी ने वादा किया था कि राजनांदगांव की बीएमसी मिल को पुनः चालू किया जाएगा, लेकिन नहीं चालू किया गया। उल्टा भाजपा के शासनकाल में पतंजलि का प्लांट घुमका के पास लगने वाला था, जिसको भूपेश बघेल ने वापस भेज दिया। राजनांदगांव से नेमिश अग्रवाल की रिपोर्ट। भूपेश बघेल जी ने और कांग्रेस ने पिछले 5 वर्ष राजनांदगांव की सुरक्षा की है। कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है, वो यहाँ कांग्रेस पार्टी आगे होगी तब जब उनका उम्मीदवार भूपेश बघेल। भूपेश बघेल नहीं होते तो कोई और होता, एक अलग बात। जिस आदमी ने छत्तीसगढ़ को मतदान किया, जिस आदमी ने राजनांदगांव को पीछे पिछले 5 सालों में, तो मैं मानता हूँ कि कांग्रेस की सरकार में अपने राज्य में आयुष्मान योजना का जिस तरीके से क्रियान्वयन जमीन पर होना था वो नकारात्मक। इसके अलावा देखिए, अपने लोकसभा की अगर हम बात करें, राजनांदगांव लोकसभा तो विशेष रूप से अगर मैं कहूं तो कांग्रेस की सरकार का कोप भजन का सबसे बड़ा उदाहरण रहा है। आज हम जब गांव में जा रहे हैं और ग्रामीणों से बात करते हैं और राजनीतिक दृष्टिकोण से जब बातचीत होती है तो ग्रामीणों की तरफ से जवाब आता है कि अपन आपला कका कहे वाले भूपेश बघेल जी मजा नहीं रखे। गांव के कोई पंचायत ऐसे नहीं है जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ गरीब ना मिले। अब हंसी मजाक में तो कई लोग ये भी बोल देते हैं कि कका हो ही वो नवाज खान के या मोहम्मद अकबर के, हमर कका कौन है। उसका उद्देश्य ये है भाई, राजनांदगांव लोकसभा के दृष्टिकोण से नांदगांव विधानसभा का उदाहरण आप ले लीजिए। कितने कार्यालय गए दोहराने की आवश्यकता नहीं है।